हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सेल्फिश अविनाश शर्मा। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों, हमने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करा दी थी। आज मैं आपको कराऊंगा सेक्स डिटर्मिनेशन कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है। ओके बच्चों, तो डेली की तरह अपना रूटीन काम स्टार्ट करते हैं। पहले मोटिवेशनल कोट क्या लिखा हुआ है बच्चों, जिंदगी में चौके लगाने के लिए मौके का इंतज़ार मत करिए। यानी कि आप ये सोचो कि बहुत बड़ा करना है तो ठीक है, तो आप इंतज़ार मत करो, लग जाइए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। समझ गए? यानी आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। ये आप वेट करोगे जब मौका आएगा तब आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। मौका आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे आजकल बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, जैसे नीट के एग्ज़ाम जो हैं वो टल गए हैं, 13 सितंबर को हो गए हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छा टाइम है, प्राइम टाइम है आपके पास है, इसको पूरा यूटिलाइज़ करिए। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक आगे देखते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरीज हैं वो बहुत सारी थ्योरीज दी गई। सबसे पहले एक थ्योरी दी गई साइटोलॉजिकल बेसिस, यानी सेल के आधार पे, ठीक है। फिर कुछ में देखा गया हारमोन्स के आधार पर, कुछ में देखा गया कि इन्वायरमेंट के आधार पर, कुछ में देखा गया कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, क्रोमोसोमल या जेनेटिक बेसिस। तो देखिए, इन सब में से बच्चों सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सी है? दिस इज द बेस्ट थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। और पहली बार बच्चों क्रोमोसोमल या जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को खोजने का प्रयास किया गया था इंसेक्स में, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इंसेक्स में सबसे पहली बार प्रयास किया गया था, और इंसेक्स में भी सबसे पहले बच्चों ग्रास हॉपर में। वैसे तो बहुत सारे इंसेक्ट्स में किया गया था, लेकिन सबसे पहले ग्रॉस हॉपर में। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो हमें देखना है सेक्स क्रोमोसोमल जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। तो देखिए, उसके आधार पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक में मेल हेट्रोगेमेटिक होगा और एक में फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी। बच्चों, मेल के हेट्रोगेमेटिक का क्या मतलब है, इसको सोचने के लिए आप अपना जरा अपने बारे में देखिए। हम लोगों में क्या होता है, मेल में क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। इसी तरह इंसेक्ट्स में क्या होता है, एक्स नॉट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जब ये एलील्स अलग होंगे तो देखिए, एक स्पर्म में क्या जाएगा, एक स्पर्म में एक्स जाएगा, या दूसरे 50% स्पर्म में क्या जाएगा, वाई जाएगा। यहाँ चेक करिए, अगर हम लोग इनकी बात करें इंसेक्ट्स की, तो एक स्पर्म में तो एक्स जाएगा और दूसरे में एक्स नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्स नॉट, क्लियर। आप देख पा रहे हैं दो तरह के गैमेट बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हेट्रोगेमेटिक होंगे। बच्चों, अगर एक्स वर्ड आ गया, तो हेट्रोगेमेटिक मेल होगा, याद रखिएगा। और अगर जेड वर्ड आ गया बच्चों, जेड वर्ड आ जाए, जैसे जेड 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 नॉट, जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड जेड, देखिए ये तो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, मोटा मोटा याद करिए अभी कि अगर एक्स वर्ड आ जाए सेक्स डिटर्मिनेशन में तो मेल हेट्रोगेमेटिक होगा, इट विल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स, ठीक है। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी, यानी फीमेल दो प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस करेगी। जैसे यहाँ पे चेक कर लीजिए, फीमेल में क्या होगा, कुछ ओवा में जेड जाएगा और कुछ में जेड नहीं जाएगा, तो उसको नॉट बोल दिया, नॉट यानी ओ लेटर इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ चेक करिए, कुछ ओवा में जेड जाएगा और कुछ में डब्ल्यू जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी दो प्रकार के गैमेट बने। तो बच्चों, समझ में आ गया, क्या समझ में आया जरा देखिए, आपको ये समझ में आया कि अगर एक्स वाला कोई भी मेथड है तो मेल हेट्रोगेमेटिक होगा और दो प्रकार के गैमेट बनाएगा, क्लियर, ठीक है। अगर जेड वाला मेथड है तो हमेशा याद रखें फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगी, ठीक है, और वो दो प्रकार के गैमेट बनाएगी, क्लियर। ये दो प्रकार के कौन से बनाएगा, जो मेथड आपके सामने हो, जैसे ये एक्स 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 नॉट लिखा है तो आप देखो ये तो होमोगेमेटिक है, ये तो एक ही प्रकार के गैमेट बना पा रही है फीमेल, लेकिन मेल देखो दो प्रकार के बना पा रहा है, एक स्पर्म में एक्स होगा और एक स्पर्म में एक्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसे चेक करिए, हम लोगों के केस में ये फीमेल है एक ही प्रकार का गैमेट बना रही है, ये मेल है दो प्रकार के गैमेट बना रही है, एक स्पर्म्स में एक्स हो सकते हैं और दूसरे तरह के स्पर्म में वाई हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए मेल होमोगेमेटिक है, देखिए जेड जेड है तो होमोगेमेटिक एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा, ऑनली जेड, यहाँ पर भी नीचे देखिए जेड बनाएगा, लेकिन फीमेल देखिए हेट्रोगेमेटिक है तो एक ओवम में जेड होगा और दूसरे प्रकार के ओवम में
जेड नहीं होगा तो नॉट वर्ड यूज किया गया। यहां पे भी देखिए एक में जेड होगा और एक में डब्ल्यू होगा, क्लियर। अभी मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा आपको। ये ओवा बना रहा हूं और इधर स्पर्म बनाया है बच्चों, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में कितने टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है बच्चों? हमारे सिलेबस में पहला टाइप है एक्स 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 नॉट, जो कि इंसेक्ट्स में होता है रफली। फिर ये अपना वाला एक्स 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 वाई मेथड, ठीक है। फिर एक जेड 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 नॉट मेथड, ठीक है। यहाँ पे आप बोल दो जेड 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 डब्ल्यू मेथड, ठीक है। तो यहाँ चेक करिए सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में कितने होंगे, फीमेल में दो एक्स होंगे, ये देखिए, और मेल में हमेशा एक एक्स होगा, ठीक है। मेल में एक ही एक्स होगा क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं, कुछ में एक्स जाएंगे और कुछ में नहीं जाएंगे। यहाँ चेक करिए फीमेल कैसी होगी, फीमेल में दो एक्स होंगे, ये देखिए दो एक्स हैं हम लोगों की, फीमेल में दो एक्स है ह्यूमन बींग की। और मेल में क्या होगा, एक्स और वाई हो सकता है, एक्स और वाई 50% स्पर्म में एक्स जाएगा और 50% में वाई, बिकॉज मेल इज हेट्रोगैमेटिक, ठीक है बच्चों। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ समराइज करा रहा हूं आपको। ये देखिए यहाँ के केस में फीमेल में एक जेड होगा, फीमेल में एक ही जेड है, देखिए हेट्रोगैमेटिक है, दूसरे में नहीं होगा, और मेल में दो जेड है, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आइए, इसी तरह फीमेल में यहाँ पे जेड डब्ल्यू होगा, देखिए जेड होगा, जेड भी हो सकता है, 50% ओवा में ये गया था, 50% में ये गया था, और मेल में होमोगैमेटिक है तो दो जेड होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एग्जांपल्स याद करते हैं। एक्स 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 नॉट का एग्जांपल है प्लांट, जैसे वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस, तो वेलिसनेरिया याद रखिए, वेलिसनेरिया पौधा है, एक्वेटिक प्लांट है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। फिर दूसरा बग वगैरह में हो सकता है और ग्रॉस ऑपर में हो सकता है, ग्रॉस ऑपर तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। फिर एक्स 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 वाई मेथड क्या होगा, ये तो हम लोगों का होगा, ह्यूमन बींग का होगा, ड्रोसोफिला का होगा, और एंजियोस्पर्म्स में होता है, कुछ एंजियोस्पर्म्स में होता है, ठीक है बच्चों। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में ये जो जेड 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 नॉट मेथड है, ये बच्चों बटरफ्लाई और मोथ में होता है, बटरफ्लाई एंड मोथ, ठीक है। जेड 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 डब्ल्यू मेथड किस में होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है, बर्ड्स, रेप्टाइल, ठीक है, और फिशेस। देखिए मैमल में, मैमल दोनों में आ रहा है, तो आप इसमें मैमल को याद मत करो क्योंकि बहुत रेयर मैमल आते हैं, इसमें ज़्यादातर मैमल आते हैं, ठीक है, और इंसान भी उसी में आता है, और इंसान एडवांस मैमल है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें याद रखना है बस बर्ड्स, रेप्टाइल और फिशेस। चलिए एक बार इस चार्ट का पूरा रिविजन कर लेते हैं बच्चों। बताइए अगर एक्स एक्स वाला कोई भी मेथड हो तो मेल हेट्रोगैमेटिक होगा और फीमेल होमोगैमेटिक होगी। बताइए अगर जेड जेड वाला कोई भी मेथड होगा तो फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी और मेल होमोगैमेटिक होगा, ठीक है बच्चों। आइए एक्स 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 नॉट मेथड किसमें यूज, किसमें देखा गया, किसमें खोजा गया, प्लांट्स लाइक वेलिसनेरिया स्पाइरेलिस और बग वगैरह में और ग्रॉस ऑपर में। एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल दिया है, काफ़ी पॉपुलर, ग्रॉस ऑपर। एक्स 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 वाई मेथड के लिए बच्चों एक फार्मूला बता देता हूँ, एच एम डी, ठीक है। एच फॉर बच्चों ह्यूमन बींग, एम फॉर मिलेंड्रियम, एम ई एल ए एन डी आर आई यू एम, मिलेंड्रियम एक एंजियोस्पर्म है, मिलेंड्रियम एक एंजियोस्पर्म है, तो ये भी कवर हो गया। और डी फॉर ड्रोसोफिला, जिस पर थॉमस हंट मॉर्गन ने काम किया था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थे बच्चों, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ चलते हैं जेड 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 नॉट मेथड में, बच्चों इसको मैं बाद में पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारे ऑड वाले मैं बाद में पढ़ूंगा। जेड 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 नॉट में क्या होगा, बटरफ्लाई और मोथ, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, बटरफ्लाई और मोथ, ठीक है। जेड 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 डब्ल्यू में इसके लिए आप याद रखिएगा रेप्टाइल, बर्ड्स और फिशेस, आरबीएफ, रेप्टाइल, बर्ड और फिशेस। तो देखिए रेप्टाइल, बर्ड और फिशेस, अगर ना याद हो तो सिर्फ आप बर्ड याद रखिएगा, इसमें बर्ड याद रखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें बर्ड याद रखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में मोटा मोटा बर्ड है, इसका एग्जांपल है ड्रोसोफिला और हम इंसान, और इसका एग्जांपल याद रखिए इंसेक्ट्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग यहाँ देख रहे हैं, पहला मेथड था आपका एक्स वाई मेथड जो कि हम इंसानों में था, और मैंने फार्मूला बताया था एचएमडी यानी ह्यूमन बींग, मिलेंड्रियम जो कि एंजियोस्पर्म था और ड्रोसोफिला में होता है। बच्चों बताओ एक्स वाले मेथड में फीमेल कैसी है, होमोगैमेटिक,
मेल कैसा है हेट्रोगेमेटिक, ठीक है बच्चों, मेल कैसा है हेट्रोगेमेटिक, कितने प्रकार के गेमेट बनाएगा, दो, आधे स्पर्म में एक्स होंगे और आधे स्पर्म में वाई होंगे। तो यहाँ सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है बच्चों, देखो जो हेट्रोगेमेटिक होता है वही सेक्स डिटरमाइन करता है, तो एक्स वाई मेथड किस में होता है और सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है एंड मेल इज हेट्रोगेमेटिक की फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक बच्चों, बोलो जल्दी। तो हाँ बताया था आपको इसमें मेल हेट्रोगेमेटिक होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों ए वाला यहाँ पे मेथड मैं लिख देता हूँ एक्स वाई मेथड, और उसके लिए ये पॉइंट हो गया कवर। दूसरा मेथड बच्चों एक्स नॉट मेथड, यानी एक्स 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 नॉट मेथड। एक्स नॉट मेथड में क्या होगा बच्चों, ये कुछ इंसेक्ट्स में होता है जैसे ग्रॉस हॉपर हो गया, कॉकरोच हो गया, कुछ प्लांट जैसे वेलिसनेरिया स्पायरेलिस बताया था और आपको बग वगैरह भी बताया था, ठीक है। इसमें भी क्या होगा बच्चों, एक्स वाला मेथड है ना, तो फीमेल देखो कैसी होगी, होमोगैमेटिक, यानी एक प्रकार का गैमेट बनाएगी सिर्फ एक्स, और मेल कैसा होगा, मेल हेट्रोगैमेटिक होगा, 50% स्पर्म में एक्स जाएगा और 50% स्पर्म में नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए मेल हो गया हेट्रोगैमेटिक, यहां पर भी सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, मेल। अच्छा फिर तीसरा मेथड है जेड 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 डब्ल्यू मेथड। जेड डब्ल्यू मेथड में क्या होगा बच्चों, ये होता है मैंने आपको बोला था रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस, याद रखो कुछ इंसेक्ट्स इसमें भी आते हैं लेकिन आप याद रखो रेप्टाइल बर्ड्स और फिशेस, तो बर्ड्स फिशेस और रेप्टाइल कुछ। इसमें क्या हुआ था बच्चों, उल्टा हो गया था, एक्स वाई का उल्टा होता है ना, बताओ अभी तक क्या था, मेल था हेट्रोगेमेटिक, फीमेल थी होमोगेमेटिक, अब उल्टा कर दो, मेल को कर दो होमोगेमेटिक, यानी मेल एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा, यानी इसमें स्पर्म सारे के सारे जेड वाले होंगे, लेकिन ओवा दो टाइप के बनेंगे, कुछ में जेड जाएगा कुछ में डब्ल्यू जाएगा, यानी यहाँ सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है, फीमेल। सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा, फीमेल। मैं पूरा अभी एक डिटेल बताऊंगा एक एक चीज करके, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने दूंगा बच्चों। एक और मेथड आपके एनसीईआरटी में हैप्लो डिप्लॉन्टिक मेथड, देखिए हैप्लो डिप्लॉन्टिक मेथड हनी बी और आंट्स वगैरह में होता है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता तो फिर सेक्स कैसे डिटरमाइन हो रहा है, पोलाइडी द्वारा, जो डिप्लाइड होंगी वो फीमेल होंगी और जो हैप्लाइड होगा वो मेल होगा, यानी टू एन फीमेल्स बनेगी हमेशा और एन बच्चों क्या बनेगा, मेल। क्लियर, आई होप सो कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बताइए सेक्स क्रोमोसोम्स किस में नहीं पाए जाते हैं, हनी बी वगैरह में, आंट्स वगैरह में, और उसमें कौन सा मेथड काम करता है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक मेथड, ठीक है बच्चों। हम लोग पहला मेथड एक बार रीड करते हैं, एक्स 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 नॉट मेथड, ये समझते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, किस में होता है, ग्रॉस हॉपर, ऐसे मैंने और भी बताया, और भी इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच में भी होता है, प्लांट जैसे वेलिसनेरिया में भी था, ठीक है बच्चों, वेलिसनेरिया में भी था, इन सब में ये पाया जाता है एक्स 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 नॉट मेथड बच्चों। हमें मेनली लेके चलना है ग्रॉस हॉपर, तो आइए देखते हैं क्रॉस ऑफर हमको यहाँ पे समझना है जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था, एक्स 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 नॉट मेथड अगर कभी भी आ जाए तो इसमें हेट्रोगेमेटिक पहले बता दो कौन होता है, हेट्रोगेमेटिक हमेशा मेल होता है, होमोगेमेटिक फीमेल होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इनकी लाइफ साइकिल, पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में दो जी दो होंगे, तो बच्चों पेरेंट्स को हम देखते हैं तो पेरेंट्स में दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, तो हम इसको यहाँ बना लेते हैं, मेल पेरेंट को बना लेते हैं, फीमेल पेरेंट को बना लेते हैं, ठीक है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। तो बच्चों हम लोग इसका जीनोटाइप बना लेते हैं, देखिए ये ऑटोसोम, चूंकि डिप्लाइड होते हैं ना ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ज़्यादातर डिप्लाइड होते हैं, टू एन, तो ये भी 2n होगा और ये फीमेल भी 2n होगी, इसमें डबल ए प्लस एक्स होगा, डबल ए प्लस एक्स यहाँ पे होगा, डबल ए प्लस एक्स एक्स। अब आप देखो मियोसिस होगी बच्चों, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या होती है, मियोसिस, और मैं इसको रिडक्शन डिवीजन बोलूँगा, RD, यहाँ पर भी रिडक्शन डिवीजन होगा या मियोसिस होगी बच्चों। ये कितने, ये हेट्रोगेमेटिक है कि होमोगेमेटिक, ये हेट्रोगेमेटिक है, देखो आप हेट्रोगेमेटिक है, तो जो हेट्रोगेमेटिक होता है वही सेक्स डिटरमाइन करता है,
तो बच्चों यहाँ सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा? मेल। चलो देखते हैं कैसे। कितने प्रकार के स्पर्म बनाएगा? दो प्रकार के स्पर्म बनाएगा। देखो ए प्लस एक्स आधा जाएगा, ए दो ऑटोसोम से एक सेट ऑटोसोम चला जाएगा और यहाँ पे एक में एक्स चला जाएगा, और दूसरे स्पर्म में ऑटोसोम तो जाएगा लेकिन एक्स नहीं जाएगा। तो कितने प्रकार के स्पर्म बने? दो। तो यानी ए प्लस एक्स, और एक में केवल ए होगा एक्स नहीं होगा, यानी दे लैक्स एक्स। और यहाँ देखिए ये जो ओवा बनेगा ये होमोगैमेटिक है फीमेल, तो एक ही प्रकार का ओवा बनेगा। क्या होगा उसका कंपोजिशन बच्चों? उसका कंपोजिशन होगा, इसका भी न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये और ये, यहाँ होगा ए प्लस एक्स, तो ये होमोगैमेटिक और ये देखिए हेट्रोगैमेटिक। इसमें ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है, 50-50% चांस है। ये भी 50% चांस है, इसके भी 50% चांस है, लेकिन इसका 100% चांस है। ठीक है, अब देखिए गैमेट बन गए। अब जरा सोच के देखो, आप ये वाला स्पर्म अगर इस ओवा के साथ फ्यूज कर गया तो बताइए क्या बनेगा? डबल ए प्लस एक्स एक्स। अब बताइए डबल ए प्लस एक्स एक्स क्या था? फीमेल। तो ये सेक्स बन गई फीमेल, ये फीमेल ऑफ स्प्रिंग बन गई। अब आगे देखिए, अगर ये ओवा इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता तो फिर क्या बनता बच्चों? डबल ए प्लस एक्स नॉट, एक्स फीमेल से आया ना, लेकिन मेल से तो कुछ आया ही नहीं, मेल से तो एक्स की जगह कुछ आया ही नहीं, सिर्फ ए आया, तो ए आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन नहीं बचा तो हम उसकी जगह नॉट लिख देते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक्स आया, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और ये सेक्स बन गया मेल। अब बताओ सेक्स को किसने डिटरमाइन किया? मेल ने, यानी जो हेट्रोगैमेटिक होता है वही सेक्स को डिटरमाइन करता है। ये सेक्स कौन सा बना? डबल ए प्लस डबल एक्स फीमेल, यहाँ डबल ए प्लस एक्स नॉट मेल। तो देखा अपने जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए। ये किस में होता है? ग्रॉस ऑपर, कॉकरोच, वेलिसनेरिया, बग वगैरह भी बताया था आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मेथड देखते हैं। उससे पहले बच्चों आपको नोट करके एक बात जरूर याद रखनी चाहिए, अभी मैंने क्या बताया था? डबल ए प्लस एक्स एक्स, ये क्या थी? फीमेल। और डबल ए प्लस एक्स वाई, ये क्या है? सॉरी एक्स नॉट, ये क्या है? ये मेल है। अच्छा बच्चों यहाँ बता दूँ, ग्रॉस ऑपर में आप देखोगे तो ये ऑटोसोम हो गए, ये सेक्स क्रोमोसोम हो गए। तो मैं आपको बता दूँ इसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और दो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो फीमेल में टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 24। यहाँ चेक करिए 22 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स होगा, ठीक है, और उसकी जगह दूसरा कोई है नहीं, तो टोटल कितने होंगे इसमें? 23। क्या पता चला? एनसीईआरटी में पूछा गया है क्या मेल और फीमेल में क्रोमोसोम की संख्या बराबर है? आंसर आएगा नहीं, फीमेल ऑलवेज बियर वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देन फीमेल, सॉरी देन मेल। मेल से देखिए मेल में 23 है तो इसमें 24 होंगे। ये किसका है? ये ग्रॉस हॉपर का है बच्चों, ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर में फीमेल में कितने? 24 और मेल में 23, यानी फीमेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है एज कम्पेयर टू मेल। क्लियर बच्चों? अब चलते हैं हम लोग आगे एक दूसरा मेथड पढ़ने। बच्चों सेकेंड मेथड है एक्स 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 वाई मेथड, और मैंने बोला था इसके लिए फार्मूला याद कर लीजिए, एच एम डी। एच मीन्स ह्यूमन बींग, एम मिलेंड्रियम जो कि एक एंजियोस्पर्म है यानी फ्लावरिंग प्लांट, और डी मतलब ड्रोसोफिला जिस पर वर्क किया था थॉमस एंड मॉर्गन ने, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें भी वही होगा, बताओ, हेट्रोगैमेटिक मेल होगा, होमोगैमेटिक फीमेल होगी। सेक्स डिटरमाइन कौन करेगा? सेक्स डिटरमाइन मेल करेगा जो हेट्रोगैमेटिक होता है। इसमें भी देखते हैं, मान लिया मॉम की बात करें, यहाँ डैड की बात करें क्योंकि हम लोग हैं तो हम लोग मॉम डैड की बात करते हैं तो समझ में आ जाएगा। मम्मा भी 2N है, डैडी भी 2N है, मम्मा में 46 क्रोमोसोम है, डैडी में भी 46 क्रोमोसोम है। मम्मा से जो गैमेटोजेनेसिस हुई उसमें मियोसिस हुई तो क्या बना? ओवा, ओवा बना।
उसमें क्या होगा, उसको इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, 22 ऑटोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम, यानी कि आप इसको ऐसे लिखिए, 22 पेयर ना लिख करके आप ऐसे लिखिए, 44 ऑटोसोम, 44 ऑटोसोम, और फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक, तो एक्स एक्स, देखिए 44, 45, 46, ये देखिए टोटल लिख दिया। अब अगर मियोसिस हो जाएगी तो हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है, 2n से n हो जाएगा तो हाफ कर दीजिए, बताओ 44 का हाफ 22, और फीमेल होमोगैमेटिक है तो एक ही एक्स आएगा, यानी ओवा के अंदर का ये आपका क्रोमोसोम रहा। इधर देखते हैं डैड का, डैड वाले में क्या होगा, उनमें भी ऐसे लिख दीजिए, उनका कंपोजिशन होगा 44 प्लस एक्स वाई, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक हैं, तो यहाँ पे देखिए कि इसमें इनमें भी मियोसिस होगी, जब इनमें मियोसिस होगी तो यहाँ पे 50% स्पर्म जो हैं वो बनेंगे कैसे, 50% बनेंगे जिसमें ऐसा होगा 22 प्लस एक्स, जिसमें एक्स होगा, और 50% ऐसे बनेंगे जिसमें 22 प्लस वाई, वाई होगा जिसमें। अब वही बात आ गई पहले जैसी, अगर ये एग इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो क्या बनेगा बच्चों, 44 प्लस एक्स एक्स, सेक्स बताइए, सेक्स हो गया फीमेल, देख लो होमोगैमेटिक है, फीमेल बन गई। देखिए अगर ये ओवा इस वाले स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो होगा 44 प्लस एक्स वाई, ये क्या बन गया बच्चों, मेल। तो देख लीजिए इस प्रकार यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन किसने किया, मेल ने किया, हेट्रोगैमेटिक था कि होमोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक। इसी प्रकार इन सब में भी होता है, मिलैंड्रियम में भी होता है, ड्रोसोफिला में भी होता है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी, बट सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली फीमेल को ब्लेम किया जाता है हमारी सोसाइटी में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक मेथड है जेड 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 डब्ल्यू मेथड, ये कहाँ पे होता है, ये मैंने आपको फार्मूला बताया, आर बी एफ, रेप्टाइल बर्ड्स फिशेस, लेकिन सिंगल चॉइस में आप बर्ड को लेके चलो, बर्ड को आपके एनसीईआरटी में बर्ड दिया हुआ है, ठीक है, बर्ड को ज़्यादा फोकस करना है बच्चों। इसमें क्या होगा, उल्टा होता है, यानी हेट्रोगैमेटिक कौन होगा, हेट्रोगैमेटिक होगी फीमेल, यानी सेक्स डिटरमाइन कौन करेगी, फीमेल, अभी तक कौन कर रहा था, मेल। होमोगैमेटिक मेल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह चलते हैं, चलिए फीमेल बर्ड मेल बर्ड, फीमेल बर्ड में डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू, क्योंकि देखिए हेट्रोगैमेटिक है तो जेड डब्ल्यू, मेल बर्ड में डबल ए यानी दो सेट ऑटोसोम के, और लास्ट वाला सेक्स क्रोमोसोम, ये ऑटोसोम ये सेक्स क्रोमोसोम, तो डबल ए प्लस जेड जेड, क्योंकि होमोगैमेटिक है तो एक जैसे लेटर होंगे, यहाँ हेट्रोगैमेटिक है डिफरेंट लेटर होंगे, ये ऑटोसोम है बच्चों और ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम, ये भी 2n है और ये भी 2n है बच्चों। फिर से क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होगा तो n बन जाएंगे, गैमेट n होते हैं हमेशा, यानी यहाँ क्या बनेगा, ओवा, और वो भी कितने टाइप के बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे दो टाइप के बनेंगे, आइए देखते हैं, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक है तो देखिए कुछ ओवा में क्या जाएगा, ए प्लस जेड, कुछ ओवा में ए प्लस जेड गया, और कुछ ओवा में ए प्लस डब्ल्यू गया, ठीक। लेकिन मेल में जो स्पर्म बनेंगे रिडक्शन डिवीजन के बाद वो एक ही प्रकार के बनेंगे, क्योंकि वो होमोगैमेटिक है, देख लीजिए होमोगैमेटिक है, तो इसका कंपोजिशन क्या होगा बच्चों, ए प्लस जेड ओनली। अब देखिए यहाँ ओवा दो टाइप के बने और स्पर्म एक ही टाइप का बना, ठीक है, फीमेल रिस्पॉन्सिबल होगी सेक्स के लिए कि मेल, तो फीमेल रिस्पॉन्सिबल होगी। आइए देखते हैं बच्चों, जब ये ओवा इस स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, डबल ए प्लस जेड जेड, अब बताओ डबल ए प्लस जेड जेड क्या है, डबल ए प्लस जेड जेड मेल था तो ये मेल बन गया। अगर ये ओवा इस स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया तो बच्चों क्या बनेगा, डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू, बोलो बच्चों डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू क्या होता है, फीमेल बर्ड, तो ये देखिए फीमेल बर्ड बन गई। यहाँ पे आपने देखा सेक्स को किसने डिटरमाइन किया, फीमेल ने डिटरमाइन किया,
और हेट्रोगेमेटिक भी कौन होगा, जो सेक्स डिटरमाइन करता है, यानी फीमेल। क्लियर बच्चों? आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आइए और एक मेथड देखते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, जेड 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 नॉट मेथड। बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही देखना है। हेट्रोगेमेटिक कौन होगा बच्चों? हेट्रोगेमेटिक होगा, होगी फीमेल, यानी इट विल डिटरमाइन सेक्स, सेक्स डिटरमाइन यही करेगी। और ये मेथड कहाँ होता है बच्चों? दो जगह पे, बटरफ्लाई एंड मोथ, बटरफ्लाई एंड मोथ। ठीक है बच्चों, मेल कैसा होगा? होमोगेमेटिक। ठीक है, ये सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेगा। फिर से वही चलते बच्चों, मेल सेक्स या पेरेंट और फीमेल सेक्स। मेल को बोलिए डबल ए प्लस, होमोगेमेटिक है ना तो क्या लिखें? डबल ए प्लस जेड जेड। अच्छा फीमेल है हेट्रोगेमेटिक तो डबल ए प्लस जेड नॉट। अब देखिए इसका स्पर्म बनेगा, इसका रिडक्शन डिवीजन जब होगा तो इसमें स्पर्म बनेगा। क्या होगा कंपोजिशन बच्चों? ए प्लस जेड, क्योंकि होमोगेमेटिक है तो एक ही टाइप का बनेगा। ये यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा और दो टाइप के ओवा बनेंगे क्योंकि हेट्रोगेमेटिक है। कुछ ओवा में ए प्लस जेड होगा और कुछ ओवा में सिर्फ ए होगा, क्योंकि जेड के जिसमें जेड नहीं होगा तो केवल ए होगा। ठीक है, हम इसको लिख देते हैं ए प्लस नॉट लिख देते हैं, यानी ए के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये ओवा बना। अब बच्चों बताओ ये और ये जब फर्टिलाइज होंगे तो फिर क्या बना? तो बना डबल ए प्लस जेड जेड। बताओ क्या बना? मेल बना कि फीमेल? तो डबल ए प्लस जेड जेड, मेल सेक्स होता है, मेल बन गया। जब ये वाला स्पर्म इस ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो फिर बताओ क्या बना बच्चों? डबल ए प्लस जेड नॉट, ये वाला सेक्स क्या बन गया? फीमेल। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है सेक्स के लिए? फीमेल। हेट्रोगेमेटिक कौन है? फीमेल। किस में होता है? बटरफ्लाई और मोथ में। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन मैंने बता दिया है बच्चों, क्लियर। आइए अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलते हैं बच्चों। एक मेथड है हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड, ये हनी बी और आंट्स में आपको बताया था। ठीक है बच्चों, इसमें सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम विल नॉट डिटरमाइन द सेक्स, बल्कि पोलाइडी डिटरमाइन करती है सेक्स। देखिए फीमेल होती है हमेशा डिप्लाइडी डिप्लाइड और मेल होता है हमेशा हैप्लाइड। ठीक है बच्चों, और फीमेल हनी बी में 2n = 32 क्रोमोसोम होते हैं और मेल में आधे होंगे तो n = 16 क्रोमोसोम होंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए फीमेल क्या बनाएगी? फीमेल में जब रिडक्शन डिवीजन होगा तो फीमेल क्या बनाएगी? ओवा, ओवा बनाया इसने और ओवा में एन बराबर कितने होंगे? 16। ठीक है बच्चों, मेल क्या होगा? मेल स्पर्म बनाएगा। मेल क्या बनाएगा बच्चों? स्पर्म, और स्पर्म में एन बराबर 16 होंगे क्योंकि गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लाइड। तो बताओ इसमें ये तो एन हो गया, 2n से एन हो गया है। देखो एन बराबर 16 हो गए, लेकिन ये तो पहले से ही एन था मेल। अगर ये इसमें म्यूसिस करा देते तो n/2 होता, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए गैमिट आर ऑलवेज हैप्लाइड। ठीक है, इसीलिए इसको भी एन से एन ही रखना पड़ा। एन से एन रखने के लिए बच्चों यहाँ रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, क्या होगा? माइटोसिस। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी आईएमपी, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैमिट केवल रिडक्शन डिवीजन द्वारा ही बनता है या कभी कभी माइटोसिस द्वारा भी बन सकता है, तो माइटोसिस द्वारा भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर ये और ये फर्टिलाइज हो गया, अगर ये और ये आपस में फर्टिलाइजेशन इनका हो गया या फ्यूज कर गए, तो बच्चों बताओ क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 2n = 32। तो बताओ 2n यानी डिप्लाइड हो गया, डिप्लाइड हुआ तो कौन सा सेक्स बनेगा? फीमेल। अब फीमेल में भी बच्चों क्या होगा? अगर रॉयल जेली खाने को मिल रही है, अगर रॉयल जेली खाने को मिल रही है, जो प्रोटीन रिच डाइट होती है, ठीक है, उनके छत्तों में होती है, उनके हाइव में होती है, अगर ये खाने को मिल रही है लगातार, तो ये बन जाएगी, ये फीमेल बनेगी क्वीन, ये फीमेल बनेगी क्वीन। और अगर इसको रॉयल जेली खाने को नहीं मिल रही है तो ये स्टराइल हो जाएगी, इसका सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होगा, तब ये बन जाएंगी स्टराइल वर्कर, स्टराइल वर्कर। तो याद रखिएगा फीमेल में कौन कौन आएंगी? क्वीन आएंगी और क्वीन और स्टराइल वर्कर। अगर रॉयल जेली खाने को मिली तो क्वीन, क्वीन फर्टाइल होती है, ठीक है, और बाकी जिनको रॉयल जेली नहीं मिलेगी वो स्टराइल वर्कर बन जाएंगे, वो बाकी के सारे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं, फर्टिलाइज्ड एग ने तो फीमेल बना लिया, और अगर अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अगर एग हो जाता अनफर्टिलाइज्ड, अगर एग रह जाता अनफर्टिलाइज्ड,
इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है और इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस अब आपने सुना होगा पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, ओवम से किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, ओवम से किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और अगर फर्टिलाइज्ड एग हुआ था तो फीमेल बन गई, और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया तो पार्थिनोजेनेसिस द्वारा क्या बना लेगा, वो मेल बना लेगा, और मेल को बच्चों बोलते हैं ड्रोन, मेल को बोलते हैं ड्रोन। अब क्वेश्चन ये होगा मेल फर्टाइल है कि स्टराइल, मेल फर्टाइल होता है, मेल फर्टाइल होता है और क्वीन फर्टाइल होती है, लेकिन क्वीन इज 2n और मेल इज n, तो दोनों मिल करके सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं। इस मेथड को हैप्लोडिप्लॉन्टिक मेथड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक और खास बात है, ये जो बच्चा बनेगा ठीक है, इसमें ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का रिलेशन होगा, इसके फादर नहीं होंगे, ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर का रिलेशन होगा, इसके डायरेक्ट फादर नहीं होंगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए देखिए बच्चों, पहला वाला एक्स वाई मेथड है। देखिए एक्स वाले में मैंने आपको बताया था फीमेल होगी होमोगैमेटिक, ठीक है, मेल होगा हेट्रोगैमेटिक। तो देखिए फीमेल कितने प्रकार के गैमेट बना रही थी, एक्स, एक ही प्रकार का, केवल एक्स और एक्स, ठीक है। मेल कितने प्रकार का बनाता है, दो प्रकार का, एक्स और वाई। और इसीलिए सेक्स के लिए जिम्मेदार कौन होगा, सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो बताएंगे मेल। ठीक है, देख लीजिए ये एक्स और ये एक्स चेकरबोर्ड बनाया गया, तो ये डबल एक्स बना, तो बताइए फीमेल बन गई। ये भी एक्स और ये एक्स, देखिए डबल एक्स यानी फीमेल बन गई, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है। ये देखिए एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई बना, मेल बना। यहाँ पे X और Y, तो ये मेल बना। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। जेड 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 डब्ल्यू मेथड में बच्चों मेनली था बर्ड, बर्ड में क्या थी, फीमेल हेट्रोगेमेटिक थी, मतलब फीमेल दो प्रकार के गैमेट बनाएगी और यही सेक्स के लिए जिम्मेदार होगी, सेक्स ऑफ द बेबी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगी। मेल एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा, देखिए जेड जेड, ठीक है। अब देखिए जेड जेड ये बन गया, जेड डब्ल्यू ये बन गया, ठीक है। यहाँ से देखिए जेड जेड ये बन गया, जेड डब्ल्यू ये बन गया। अब देख लो जो होमोगैमेटिक है वो मेल है और जो हेट्रोगैमेटिक है वो फीमेल है, और सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थी, फीमेल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जेड नॉट मेथड बच्चों मेनली किस में होता है, इंसेक्ट्स में। इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, क्लियर, और मेल में एक कम क्रोमोसोम होता है फीमेल की तुलना में। तो देखिए मेल में केवल एक एक्स है और दूसरा नहीं है, तो हम इसको नॉट भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ देखिए और एक्स वाला मेथड है, तो फीमेल होगी होमोगैमेटिक, मेल है हेट्रोगैमेटिक, कुछ स्पर्म में एक्स है 50% में, 50% में नहीं है, तो उसको मैंने नॉट लिख दिया। और फीमेल है होमोगैमेटिक बच्चों, अभी समझाया था। अब देखिए जब ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा ये कंडीशन बनेगी, ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा ये कंडीशन बनेगी, और इस तरह की कंडीशन में होमोगैमेटिक कंडीशन फीमेल में पाई जा रही है। जबकि देखिए एक्स के साथ नॉट आया तो एक्स नॉट लिख दो, एक्स के साथ नॉट आया एक्स नॉट लिख दो, तो ये क्या हो गया, ये मेल बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर। यहाँ देखिए हैप्लोडिप्लॉयडी में एन क्या था, मेल, मेल को क्या बोलते थे, ड्रोन, और उसमें क्रोमोसोम कितने थे, एन बराबर 16, जबकि फीमेल 2n होती थी, उसमें 2n बराबर 32। ठीक है, हनी बी में ऐसा केस देखा था, हनी बी और आंट्स में, देखो फीमेल 2n होती है, ठीक है, क्लियर, और मेल जो होता है n होता है, मतलब फीमेल में दो एक्स होते तो इसमें एक ही एक्स होगा, क्लियर। यहाँ सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, बताया था आपको। और जब ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो देखिए ये एक्स एक्स और ये एक्स, तो ये फर्टिलाइज हो गया तो डबल एक्स बन गया, यानी 2n बन गया, 2n बना तो फीमेल, और फीमेल में भी बच्चों बताओ अगर रॉयल जेली खा रही है तो क्वीन बनेगी, और अगर रॉयल जेली नहीं खा रही है तो स्टराइल हो जाएगी ये फीमेल, और स्टराइल फीमेल को क्या बोलते हैं बच्चों, वर्कर, वर्कर बोलते हैं। और अगर अनफर्टिलाइज रह गया, केवल फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होंगे, ओवा से डायरेक्टली मेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको ड्रोन बोलते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इज ए सेक्सुअल की सेक्सुअल, तो पार्थिनोजेनेसिस इज ए सेक्सुअल बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। बच्चों कुछ में इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, जैसे टर्टल में और क्रोकोडाइल में, टर्टल और क्रोकोडाइल में, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कुछ एग्जाम्स में आता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए टेम्परेचर की वजह से सेक्स डिफ्रेंशिएट होगा यहाँ पर, देखिए फीमेल में भी डबल एक्स है, मेल में भी डबल एक्स है, ठीक है, लेकिन जब कूलनेस है, जब लो टेम्परेचर है तो मेल बनेगा, टर्टल अगर लो टेम्परेचर में रह रहा है तो वो मेल बनेगा, और अगर अगर वो वार्म टेम्परेचर में रह रहा है यानी थोड़ा सा गर्म वातावरण हो तो फीमेल बनेगी। लेकिन क्रोकोडाइल में उल्टा होता है, अगर अगर वार्म टेम्परेचर में रह रहा है तो ये बनेगा मेल,
और अगर कूल टेम्परेचर में रह रहा है यानी लो टेम्परेचर में, तो ये बनेगी फीमेल, ठीक है। जस्ट रिवर्स होता है टर्टल और क्रोकोडाइल में, लेकिन दोनों में इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल फैक्टर ही डिसाइड कर रहे हैं सेक्स ऑफ द बेबी को, ठीक है। क्लियर हो गई बच्चों। और एक और होता है बोनेलिया। बोनेलिया में भी क्या होगा, बोनेलिया में जो लार्वा है अगर वो अकेले रह रहा है तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लार्वा लार्वा मेल बॉडी के फीमेल बॉडी के साथ अटैच है, अगर लार्वा फीमेल बॉडी के साथ अटैच है मतलब मम्मी के साथ अटैच है तो मेल बनाएगा, अगर लार्वा अकेला है किसी के साथ अटैच नहीं है तो बच्चों फीमेल, और अगर लार्वा फीमेल बॉडी के साथ अटैच है तो मेल बनाएगा। क्लियर बच्चों। आइए एनसीईआरटी से एक लाइन पढ़ते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन में ये ऐसा मैकेनिज्म है जिससे सेक्स डिटरमाइन किया जाएगा, और ये बहुत समय पहले से किया जा रहा है जो पहेली की तरह लगती थी जेनेटिक्स के साइंटिस्ट को। ये सेक्स डिटरमाइन करना पहेली की तरह लगती थी। इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट, यानी कि शुरुआत में जो हमको क्लू मिले सारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो क्लू मिले वो इंसेक्ट्स से मिले, ठीक है बच्चों। मैंने बोला था इंसेक्ट्स में ही सबसे पहली बार सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया। इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी जब हमने सेल को ऑब्जर्व किया तो पता चला कुछ सेक्स क्रोमोसोम है, कुछ ऑटोसोम है, उसके बारे में पता चला, ठीक है। तो हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स को फिर स्टडी किया, और फिर हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया। दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ नोन एज, मैंने आपको बोला था सबसे सक्सेसफुल यही होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके बच्चों। हैंकिंग एक साइंटिस्ट थे, 1891 में उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस के स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म थे, स्पर्म में न्यूक्लियस में क्या हुआ, एक डार्क कलर का स्टेन देखा जो 50% स्पर्म में था और 50% स्पर्म में नहीं था, 50% स्पर्म में नहीं था, ठीक है बच्चों। तो ये इन्होंने बोला कि लग रहा है ये एक्स बॉडी है। पढ़ के देखिए, हैंकिंग ने 1891 में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा, यानी न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर देखा स्पेसिफिक, ठीक है, और देखा कि वो कुछ इंसेक्ट्स में वो पाए गए जिसमें 50% में वो बॉडी पाई गई, 50% स्पर्म में रिसीव हुई वो बॉडी, ठीक है, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि 50% में नहीं आई, यानी कि 50% में एक्स रहा होगा और 50% में नहीं रहा होगा, तो हमने उसको नॉट नाम दिया, याद करिए अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। हैंकिंग ने ये भी बताया कि ये जो स्पेसिफिक स्टेन स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस में, ये एक्स बॉडी था, ये एक्स बॉडी था, एक्स वाई जेड आप नाम देते हैं ना, तो एक्स बॉडी नाम दे दिया। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन ये इसका सिग्निफिकेंस नहीं बता पाए। बाद में बहुत सारे खोज हुए साइंटिस्ट द्वारा, तब साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो हैंकिंग एक्स बॉडी जिसको बोल रहे थे वास्तव में ये एक तरह का क्रोमोसोम था, और यही ये क्रोमोसोम को नाम दे दिया गया एक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स क्रोमोसोम होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम में दो क्रोमोसोम हो सकते हैं, तो एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। वाई क्रोमोसोम को बाद में स्टीवेंस ने खोजा था, स्टीवेंस ने बच्चों कौन सा खोजा, वाई क्रोमोसोम, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, एक्स वाई जेड। इट वाज ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो जो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट हैं इसमें ये मैकेनिज्म काम करता है, और इस मैकेनिज्म द्वारा ही सेक्स डिटरमाइन होता है। इस मेथड का नाम था एक्स नॉट मेथड। बताओ बच्चों, एक्स एक्स क्या थी, ये थी फीमेल, और एक्स नॉट क्या था, मेल। तो फीमेल होमोगेमेटिक, मेल हेट्रोगेमेटिक, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स कौन होता है, हेट्रोगेमेटिक। क्या लिखा हुआ है, ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, सभी एग में एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है बिसाइड्स द अदर क्रोमोसोम, यानी ऑटोसोम के अलावा। ऑन द अदर हैंड, जबकि स्पर्म में 50% में एक्स क्रोमोसोम था और 50% में नहीं था, वेयर एज सम डू नॉट, यानी 50% में नहीं था। अगर एग को उस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, तो बताओ क्या होगा, अगर मान लो ये स्पर्म द्वारा आया है, ये ओवा द्वारा आया है एक्स, तो डबल एक्स बना, तो ये फीमेल बनेगी। देखिए लिखा है फर्टिलाइज बाय स्पर्म, तो वो फीमेल बन गई। जबकि अगर उस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया जिसके पास एक्स नहीं था, ये देखो ओवा से आया और ये स्पर्म द्वारा आया, उसके पास एक्स नहीं है, तो क्या बनेगा, तो मेल बनेगा। यानी कि दोज फर्टिलाइज बाय स्पर्म दैट डू नॉट हैव एन एक्स क्रोमोसोम
बिकम्स मेल, यानी जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था स्पर्म में, उसने मेल सेक्स बना दिया। ठीक है बच्चों, ये एक्स 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 नॉट सिस्टम बताया गया है। देख लीजिए, मेल में 22 प्लस एक्स है, फीमेल में देखिए 22 प्लस एक्स एक्स है, यानी इसमें टोटल 23 क्रोमोसोम है, इसमें 24। बताया था कि फीमेल में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है मेल की तुलना में, या फिर मेल में फीमेल की तुलना से एक कम होता है। देख लो आप क्या लिखा है, वेलिसनेरिया में था, इंसेक्ट्स में था। ठीक है, आपको ये ऑर्डर ऑर्डर नहीं याद रखने हैं। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और देखो होमोगैमेटिक होती है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उसको एक्स नॉट से इंडिकेट करते हैं। मेल दो टाइप के स्पर्म बनाता है, हाफ में एक्स होगा और अदर हाफ में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और जिसमें एक्स था उसने कौन सा सेक्स बनाया था, फीमेल, जिसमें नहीं था उसने क्या बनाया, मेल। ठीक है बच्चों, अभी पढ़ा हमने एनसीईआरटी से। प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड एक्स डिटरमाइन द मैस्कुलाइन सेक्स, यानी देखो जो डबल एक्स था उसने तो क्या किया, उसने बना लिया फीमेल, और एक एक्स नॉट था तो उसने क्या बना लिया, उसने बना लिया मेल। तो देखो लिखा ना, अनपेयर्ड अगर एक्स होगा, यहाँ पेयर्ड एक्स है तो फीमेल बना, और अगर अनपेयर्ड होगा तो मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन मतलब बच्चों मेल, और फेमाइन मतलब फीमेल। तो ये मेथड था एक्स नॉट मेथड, और ग्रॉस ऑपर में दिखाया गया। ये देखिए ग्रॉस ऑपर का फिगर बना हुआ है, ये भी वही है बच्चों, ये भी वही है एक्स नॉट मेथड। ठीक है, देखिए इसमें भी दिखा देते हैं, पेरेंट फीमेल वाली एक्स एक्स है और ये एक्स था। ठीक है, तो ये इसमें देखो होमोगैमेटिक है, केवल एक्स एक्स वाले ओवा आए, ये हेट्रोगैमेटिक है, एक में एक्स आएगा स्पर्म में, इसको स्पर्म बोल दीजिए, ये स्पर्म, ये भी स्पर्म, ये उसका फ्लैजिला, तो इसमें नहीं आएगा। अब बताइए, अगर इसका फर्टिलाइजेशन इस वाले स्पर्म से हुआ तो डबल एक्स फीमेल बनी, अगर इसका फर्टिलाइजेशन इस वाले से हुआ तो मेल बना, क्योंकि एक्स नॉट बन जाएगा। फिर देखिए, इसका फर्टिलाइजेशन इससे हुआ तो फीमेल बनी, इसका फर्टिलाइजेशन इससे हुआ तो एक्स नॉट बना, यानी मेल बना। ठीक है बच्चों, बाकी आप जानते ही हो। फिर क्या लिखा है, डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल, नहीं, फीमेल में हमेशा वन एक्स्ट्रा होता है, 24, और मेल में 23। ठीक है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इट वॉज डेजिग्नेटेड टू बी सेक्स क्रोमोसोम, चूंकि ये सेक्स एक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन कर रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया, सेक्स क्रोमोसोम बोला गया। और बाकी के जो क्रोमोसोम थे जो सेक्स डिटरमाइन नहीं कर रहे थे बच्चे, उनको ऑटोसोम बोलते थे, जिसको हम लोग ने ए लेटर से इंडिकेट किया था, ए फॉर ऑटोसोम, और एक्स वाई या जेड जो वर्ड यूज किया गया, दिस इज फॉर सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ग्रॉस ऑपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम, याद करो डबल ए प्लस एक्स नॉट, ठीक है, ये मेल था, जबकि फीमेल में क्या था बच्चों, डबल ए प्लस एक्स एक्स, यानी देखो वन पेयर्ड एक्स क्रोमोसोम थे बिसाइड्स ऑटोसोम। दीज ऑब्जर्वेशन लीड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए नंबर ऑफ स्पीसीज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसकी वजह से हमको पता चला कि और भी ऑर्गेनिज्म या और भी स्पीसीज में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता होगा। तो इन द नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल इंक्लूडिंग मैन, यानी कुछ अदर इंसेक्ट जैसे आपको बताया था ड्रोसोफिला, और मैमल जैसे हम लोग, और एक पौधा था एंजियोस्पर्मिक मिलेंड्रियम, याद करिए HMD मिलेंड्रियम, इनमें क्या होता है, दूसरा मेथड काम करता है। दूसरा मेथड कौन सा था, एक्स वाई टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा है, सेम, हम लोग की स्पीसीज में मेल और फीमेल का नंबर सेम था, 46 इन फीमेल 46 इन मेल ह्यूमन बींग, बताया था ना आपको बना करके। एमंग द मेल एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, मेल में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बट उसका जो अपोजिट वाला पार्टनर होता है वो छोटा होता है। देखो मेल है डबल एक्स प्लस एक एक्स है और एक वाई, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है, दोनों एक्स होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, ये छोटा जो होता है ये वाई क्रोमोसोम होता है फीमेल में, जबकि एक पेयर क्रोमोसोम होता है एक्स वाला, एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होता है। बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम, ऑटोसोम भी देखिए सेम है, सेक्स क्रोमोसोम भी सेम है, ओवर एंड ऑल क्रोमोसोम भी सेम है, ओवर एंड ऑल का मतलब ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम, हैंस द मेल हैव ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, यानी मेल में ऑटोसोम प्लस एक्स वाई,
वाइल फीमेल में ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, तो ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, एक एक लाइन क्लियर। ह्यूमन बींग में और ड्रोसोफिला में मेल है वन एक्स एंड वन वाई, देखो एक एक्स और एक वाई होगा, जबकि फीमेल में एक पेयर एक्स क्रोमोसोम होगा बिसाइड्स ऑटोसोम। ये देखो एक पेयर एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स ऑटोसोम। क्लियर बच्चों, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करा चुका हूँ और अब एनसीईआरटी से हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिर क्या लिखा है बच्चों, इन अबव डिस्क्रिप्शन यू हैव स्टडीड अबाउट टू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन से टू टाइप? एक्स 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 वाई अपना वाला और एक एक्स 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 नॉट ग्रॉस ऑफर वाला। ठीक है, दो टाइप का आपने देखा, तो एक एक्स नॉट टाइप था पहले पढ़ा, बाद में एक्स वाई पढ़ा। बट इन बोथ द केसेस मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। बताइए, मेल हेट्रोगैमेटिक था, या तो उसमें आइदर विद विदाउट एक्स क्रोमोसोम, या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं था, और या तो फिर क्या था, कुछ में एक्स था और कुछ में वाई था। देखो ये इसकी बात कर रहा है, एक्स नॉट वाले में देखो कुछ में एक्स होगा और कुछ में नहीं होगा, और यहाँ वाई, यहाँ एक्स वाई वाले में हम लोग में कुछ में एक्स जाएगा 50% में, कुछ में वाई जाएगा। सच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज डेजिग्नेटेड टू बी एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगेमिटी। ये मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है, यानी एक्स वाला मेथड मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है, और इसमें मेल ही सेक्स डिटरमाइन करेगा, मेल ही सेक्स डिटरमाइन करेगा। ठीक है बच्चों, लिख के बताया था। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे बर्ड, बर्ड में क्या मेथड था बच्चों, जेड 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 डब्ल्यू, जेड 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 डब्ल्यू, और हमारा उल्टा हो जाता है, उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ एंड मेल एंड फीमेल। इसमें भी मेल और फीमेल में क्रोमोसोम समान होते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ द गैमेट्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस बाई फीमेल। अब देखो, फीमेल डिफरेंट टाइप के गैमेट बना रही है, मतलब इसमें फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगी, यानी दो प्रकार के ओवा बनेंगे, या तो कुछ में 50% में जेड जाएगा और 50% में डब्ल्यू जाएगा, लेकिन मेल होमोगैमेटिक होगा, 100% स्पर्म में सिर्फ और सिर्फ जेड जाएगा। ठीक है बच्चों, इन ऑर्डर टू हैव द डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल बर्ड हैव बीन डेजिग्नेटेड टू बी जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोसोम। यानी फीमेल में जेड और डब्ल्यू क्रोमोसोम होगा, इसलिए हेट्रोगेमेटिक है। इन दिस ऑर्गेनिज्म फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम, वेयर एज द मेल हैव द पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम, पेयर ऑफ जेड क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम। ऑटोसोम तो होंगे ही होंगे सब में। ये देखिए बच्चों, इसमें देखिए ऑटोसोम के अलावा एक पेयर जेड जेड है, यानी मेल में अभी बोला है एक पेयर जेड जेड होता है, फीमेल में ऑटोसोम के अलावा एक जेड होगा एक डब्ल्यू होगा। ठीक है, इसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, इसमें देखिए ये मेल वाला है ये फीमेल वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए स्पर्म जो है एक ही टाइप का बन रहा है, ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, तो होमोगैमेटिक हुआ ना बच्चों, होमोगैमेटिक हुआ। यहाँ चेक करो, ए प्लस डब्ल्यू वाला ओवम और ए प्लस जेड वाला ओवम, तो कैसा हुआ बच्चों, हेट्रोगैमेटिक। यही सेक्स ऑफ द बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जरा चेक करो, मेल को हम लोग ने इधर लिख दिया, फीमेल को हम लोग ने इधर लिख दिया, अब देखिए ए ए डबल ए और जेड जेड डबल जेड, क्या बना मेल, इसका इससे क्रॉस कराइए, डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू, तो ये फीमेल बन गई। यहाँ इसका इससे क्रॉस कराइए, डबल ए प्लस डबल जेड, ये क्या बन गया मेल, ये इसका इससे क्रॉस कराइए, डबल ए प्लस जेड डब्ल्यू, तो ये क्या बन गया फीमेल। तो समझ में आया बच्चों, सेक्स ऑफ द बेबी के लिए कौन जिम्मेदार है, यहाँ फीमेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, जैसा कि ऑलरेडी मेंशन किया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों में एक्स नॉट एक्स वाई टाइप का होता है। देखो ए ए यानी ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स बराबर फीमेल, और ऑटोसोम प्लस एक्स वाई बराबर मेल। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या लिखा है, आउट ऑफ 23 पेयर क्रोमोसोम 22 पेयर्स कैसे थे, बिल्कुल सेम थे दोनों सेक्स में, मेल और फीमेल में। याद करिए हमने शुरुआत में बताया था, इनको बोला गया था ऑटोसोम, जबकि लास्ट वाला पेयर यानी 23rd पेयर वो डिफरेंट था। फीमेल में देखो क्या है, एक पेयर एक्स है, मेल में एक एक्स है वाई है, देखिए क्या लिखा है, प्रेजेंट इन फीमेल, एक पेयर फीमेल में एक्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, जबकि मेल में एक एक्स है और एक वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, और वही डिटर्मिनेंट है, वही मेल करेक्टरिस्टिक का डिटर्मिनेंट है। तो लिखा है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में मेल कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा, तोड़ के देखो,
बनाएगा एक्स या वाई, 50% में एक्स जाएगा, देखो टू टाइप के गैमेट बनाएगा, 50% टोटल में एक्स होगा और रेस्ट 50% में वाई होगा, ठीक है। और ऑटोसोम तो होंगे ही होंगे बिसाइड्स ऑटोसोम। फीमेल में क्या होगा, 100% में एक ही टाइप गैमेट, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, केवल और केवल ऑटोसोम प्लस एक्स, क्योंकि उसमें वाई तो होता नहीं, तो ये होमोगैमेटिक होगी। देयर इज ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यानी ओवम को जो स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे या ओवम, वो बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 50% फीमेल बनने का चांस है और 50% मेल बनने का चांस है, ठीक है। तो स्पर्म कैरी आइदर एक्स और वाई, 50-50% चांस है। इन केस ऑफ द ओवम फर्टिलाइजर्स विद द स्पर्म कैरिंग एस, देखो फीमेल थी ए प्लस एक्स, और अगर स्पर्म भी ए प्लस एक्स वाला आया तो बन गया 2a प्लस डबल एक्स, बताओ बच्चों क्या बना, फीमेल बन गई, ठीक है। और उसने बोला है अगर मान लो कि ए प्लस एक्स फीमेल से मिला और मेल से आ गया ए प्लस वाई, तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस एक्स वाई, दैट इज मेल, ठीक है बच्चों, क्लियर। आइए बढ़ते हैं। इन केस ओवम फर्टिलाइजर्स विद द स्पर्म कैरिंग एक्स, यानी ऐसा ओवम ऐसे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ जिसके पास एक्स था, तो जायगोट जो होगा उसमें फीमेल, उससे फीमेल तैयार होगा। एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद वाई, अगर इस ओवम का फर्टिलाइजेशन वाई के साथ हो जाए, वाई के साथ हो, तो क्या होगा, तो फिर मेल ऑफ स्प्रिंग बॉर्न होगा। दस इट इज द एविडेंट दैट इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि सेक्स ऑफ चाइल्ड के लिए मेल जिम्मेदार है। इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट ईच प्रोजेनी देयर इज ए ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी टू बी आइदर मेल और फीमेल, यानी 1/2%, 1/2 चांस है, यानी हाफ चांस है या 50% चांस है, प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है हर पीढ़ी दर पीढ़ी कि मेल बनेगा कि फीमेल। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन अवर सोसाइटी ह्यूमन इज ऑलवेज ब्लेम फॉर द प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रेन एंड हैज़ बीन ऑस्ट्राइज एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्स नोशन, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि ये लोगों का भ्रम है कि फीमेल ही मतलब फीमेल रिस्पॉन्सिबल है फीमेल बेबी बॉर्न करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मेल रिस्पॉन्सिबल है, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। और ये आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ह्यूमन बींग में, ह्यूमन बींग में देखो, मान लिया ये पापा हैं डैड, तो डैड में क्या है, 2n = 46, तो जिसमें से 22 पेयर यानी 44 ऑटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है, और हेट्रोगेमेटिक कंडीशन यहाँ दिख रही है। ये है मॉम, और मॉम में क्या होगा, उसमें भी 2n = 46 होगा, तो बच्चों ये 44 ऑटोसोम और ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम। स्पर्म देखो दो प्रकार के बनेंगे, 50% में एक्स होगा, 50% में वाई होगा, और यहाँ पे एक ही प्रकार के बनेंगे 22+x। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज किया तो देखो 44+XX बना फीमेल, और अगर ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज किया तो 44+XY यानी मेल बन गया, यानी सेक्स ऑफ द बेबी के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेल, यानी डैड इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट मॉम इज रिस्पॉन्सिबल, बट सोसाइटी में हमेशा फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए क्या लिखा है, हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन द बर्ड, बर्ड में कैसे डिफरेंट है, आपने देखा था बर्ड में फीमेल हेट्रोगेमेटिक थी, बाकियों में मेल हेट्रोगेमेटिक था। इज द स्पर्म एंड एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चिक, मतलब स्पर्म उसमें रिस्पॉन्सिबल था सेक्स के लिए कि एग, तो एग रिस्पॉन्सिबल था, फीमेल रिस्पॉन्सिबल थी। हनी बी का देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में दिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में किसके आधार पर था, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल रिसीव, सेट के आधार पर था, यानी पोलाइडी पर, एन है कि 2n, उसके आधार पर था। एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड एग डेवलप फीमेल, यानी फर्टिलाइज्ड एग हमेशा फीमेल बनाएगा, अगर फर्टाइल थी तो क्वीन, स्टराइल थी तो वर्कर, और अगर अनफर्टिलाइज थी, अगर एग अनफर्टिलाइज थी तो मेल बनाता था, मेल को ड्रोन बोलते थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बना था बच्चों, क्या नाम था उसका, पार्थिनोजेनेसिस। कुछ लोग सोच रहे होंगे पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, ठीक है बच्चों, आ चुका है ये नीट 2019 में आया था क्वेश्चन यहाँ से। दिस मेंट दैट द मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, याद करो n बराबर 16 था उसमें, जबकि फीमेल में 2n = 32 था। देन द फीमेल आर डिप्लाइड
हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल आर हैप्लॉइड हैविंग 16 क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड द हैप्लोडिप्लॉइडिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम एंड हैज ए स्पेशल फीचर सच एज मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। हाँ, याद करिए मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि मेल ने स्पर्म बनाया था माइटोसिस द्वारा, ठीक है। और ये भी बताया था दे डू नॉट हैव फादर दस कैन नॉट हैव सन, यानी पापा और बेटे का रिश्ता नहीं होता, लेकिन हाँ ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का रिश्ता होता है। वेरी वेरी आईएमपी बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये आपको बता दिया गया, देखिए फीमेल, फीमेल में 2N बराबर 32 है, और फीमेल में अगर स्टराइल है तो बच्चों क्या वर्कर, और अगर फर्टाइल है तो क्वीन, और ये रॉयल जेली फीड करेगी, ये नहीं खाएगी। इसमें मियोसिस द्वारा गैमिट बनेंगे, और मेल, मेल एन बराबर 16 है तो इसमें माइटोसिस द्वारा गैमिट बनेंगे, ठीक है, क्लियर। अगर मान लो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो डायरेक्ट ये मेल बना लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनो जेनेसिस, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो 2N बराबर 32 हो जाएगा तो ये फीमेल बना लेगा, क्लियर। इस तरीके से आपने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार का होता है, और मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया, क्लियर बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग ने देखा कि किस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एनसीईआरटी के सारे छोटे से छोटे पॉइंट्स को मैंने सब कुछ डिस्क्राइब किया। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। बच्चों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूँ इससे हमें पोटेंशियल मिलता है और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएँ। बच्चों सभी को शेयर करते रहिए, ठीक है, स्टे एट होम, अपना ध्यान रखिए। बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।